बोलिए गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। दादा गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। तपोभूमि मथुरा की जय। देवात्मा हिमालय की जय। सप्त ऋषियों की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। गौ माता की जय। पावन भूमि आंबलखेड़ा धाम की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। बोलिए युगाधिपति महाशक्ति की जय। आदरणीय भाई श्री गौड़जी भाई साहब, हम सभी जानते हैं कि भाई साहब बोलते नहीं, ये दहाड़ते हैं। उनका हर शब्द, उनका प्रवचन की हर बात आदमी को खड़ा कर देती है और दौड़ाने के लिए लालायित कर देती है। इतनी प्रेरणा भरते हैं, इतना उत्साह भुकते हैं। वैसे दक्षिण भारत, जहां हमारा मिशन का शून्य काम था, जिसको अनटच क्षेत्र मिशन के कहते हैं, वैसे क्षेत्र का वो प्रभार देख रहे हैं। जहां कुछ काम नहीं था, वहां अभी अश्वमेध की श्रृंखला चल रही है। वह केवल और केवल ब्रजमोहन गौड़ साहब भाई साहब का अपना एक प्रभाव है, अपनी एक विशेषता रही है। ऐसे हम सभी को बहुत बहुत मार्गदर्शन करने वाले हमारे बहुत प्रेरक। बोले गायत्री माता की, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बोले गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज द्वार की जय। भारत माता की जय। मैं बोलूंगा हमारा अश्वमेध रजत जयंती कार्यक्रम, आप सब बोलेंगे सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा अश्वमेध रजत जयंती कार्यक्रम सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा अश्वमेध रजत जयंती महायज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरिता निपारासु यदि भद्रम तन्यासु। ओम शांति 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 है। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, हम सबके अग्रज चिंतक विचारक, और जिनमें हम परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के सिद्धांत और आदर्शों को देखते हैं, ऐसे हमारे पूज्य बड़े भाई वीरेश्वर उपाध्याय जी, जिन्होंने अपना जीवन देश राष्ट्र समाज धर्म संस्कृति के लिए दिया, सरलता ममता जिनके जीवन का सिद्धांत है, जो बड़े कर्मठ हैं, मेरे अनुज मेरे प्रिय भाई कालीचरण जी, और छोटी अवस्था में अविवाहित अवस्था में छात्र जीवन में जिनके मन में राष्ट्र देश समाज सेवा की एक चिंगारी जगी, और जिन्होंने अपना जीवन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया, जिन्होंने गुजरात प्रांत के भाई बहनों का हृदय जीत लिया है, ऐसे मेरे अनुज भाई दिनेश पटेल जी, जिनके संगीत से हम सब ओतप्रोत हो रहे थे, ऐसी मेरी बहन मीना बहन और उनके साथ में गाने वाली बहनें, संगीत के भाई
हमारे जोन को संभालने वाले भाई और गुजरात प्रांत के हमारे वरिष्ठतम, जिन्हें हम नीम के पत्थर भी कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन पर, जब गुजरात में कोई गायत्री परिवार को जानता नहीं था, जब गुजरात में गायत्री की चर्चा करना, गायत्री परिवार की चर्चा करना एक बहुत बड़े मनोबल आत्मबल की बात थी, उस समय जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस मिशन को दिया, ऐसे हमारे अनेक भाई और बहन जिनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं यहां उपस्थित हैं, और वो मेरे नौजवान साथी जिनके हाथ में ज्ञान की लाल मशाल आई है और जिन्होंने गुजरात में अपने प्रयास कार्यक्रम के द्वारा सारे गुजरात को ये संदेश दिया है कि देश को कोई बचा सकता है तो गायत्री परिवार बचा सकता है, देश की कोई रक्षा कर सकता है तो गायत्री परिवार कर सकता है। ठीक है, हम राजनीति में नेतृत्व नहीं करते तो क्या हुआ, लेकिन हम मनुष्य के चिंतन को बदलेंगे, मनुष्य की भावनाओं को बदलेंगे, मनुष्य के आचार विचार को बदलेंगे और अपने आराध्य के संदेश को देते देते बलिदान हो जाएंगे, ऐसा संकल्प लेने वाले मेरे युवा भाइयों भाइयों साथियों, परम पूज्य गुरुदेव मंदिरी माता जी की उपस्थिति में आज हम सब ऐतिहासिक क्षणों में स्नेह सम्मेलन में उपस्थित हैं, निश्चित हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान की जिसके ऊपर, मानव के ऊपर जिसके ऊपर कृपा होती है, उसके हृदय में सात्विक श्रद्धा जन्म लेती है, अंकुरित होती है, पुष्पित होती है, फलित होती है और वो श्रद्धा सृजन के रूप में समर्पण करते हुए अपने गुरु के कार्य को करते करते पूर्णता तक पहुंचती है। ज्ञान वाले में लोग जो अपने गुरु के लिए जीते हैं और गुरु के लिए मरते हैं, अज्ञानी है वे लोग जो संसार के क्षणिक सुख साधनों को जीवन का लक्ष्य मानकर उनकी प्राप्ति में ही इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ गवाते चले जाते हैं। आइए इन पावन क्षणों में हम हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने आराध्य, अपने देव, अपने इष्ट, अपने महादेव, अपने गुरुदेव के सपनों को साकार कर सकें, ये कार्यक्रम सफलता के शिखर तक पहुंचे, इस कार्यक्रम में अपना तन मन धन समर्पित कर सकें, ऐसी शक्ति ऐसी भक्ति हम सबको प्रदान करना, इस भाव को लेकर के मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। सीधी कमर से बैठे, दोनों हाथ धोती में रखें, नेत्र बंद रखें, शांतचित्त होकर एक क्षण के लिए अपने मन को विराम दें, हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें कि भगवान हमारा यह जीवन देश धर्म समाज राष्ट्र संस्कृति के काम आ जाए, हे भगवान हम सब श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, हम सब को सद्बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी भाव भरी प्रार्थना भाव भरे मन से भाव भरे हृदय से गायत्री मंत्र के साथ बोलने की कृपा करें। शरीर शांत, मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहमता शांत, शांत चित, एक मन एक भाव एक संकल्प के साथ गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। ओ ये
देवियों भाइयों, भारतीय आर्ष ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा हृदय गदगद होने लगता है। कभी हमारे राष्ट्र को जगत गुरु की उपाधि दी गई, कभी हमारे राष्ट्र को सोने की चिड़िया कहा गया। इतिहास साक्षी है, विश्व के मूर्धन्य विद्वान विचारक चिंतक थिंकर एक स्वर से एक बात स्वीकार करते हैं। दुनिया का कोई प्राचीनतम ग्रंथ है तो भारतवर्ष में पाए जाने वाला वेद है। वेद की पहली ऋचा, वेदों में भी जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसकी पहली ऋचा अग्निवेदे पुरोहितम यज्ञस्य देवरुद्रम होतारम रत्नधात्मम। दुनिया के लोगों को अग्नि का परिचय किसी ने कराया तो भारत के ऋषि ने कराया है। दुनिया को शक्ति का परिचय किसी ने कराया तो भारत ने कराया। दुनिया को जीने का ज्ञान किसी ने दिया तो भारत ने दिया। दुनिया में परिवार व्यवस्था किसी ने बनाई तो भारत के ऋषि ने बनाई। दुनिया में देवत्व का उद्भव किसी ने किया तो भारत के ऋषि ने किया। धरती पर कभी स्वर्ग की परिस्थितियां बनाई तो भारत के ऋषि ने बनाई। और मित्रों, वर्तमान परिस्थितियों में परम पूज्य गुरुदेव ने चिंतन किया, लगता है कहीं कोई कल्पना कपोल कल्पना तो नहीं है जो इतिहास में लिखा हुआ है, तो गुरुदेव ने पाया कि नहीं, जो लिखा है वो सत्य है। पर पिछले दिनों में भारत के ऊपर अज्ञान मिश्रा छा गई, अज्ञान की लेयर छा गई। परिणाम जो भारत की आत्मा थी धर्म, उसे हम भूल गए। और धर्म का जो प्रशिक्षण देते थे, धर्म का जो पाठ पढ़ाते थे, धर्म का जो ज्ञान देते थे, वो कहीं खो गए। और परिणाम धर्म के ऊपर अज्ञान छा गया, धर्म के ऊपर कुरीतियां, रूढ़िवादी परंपराएं, मूढ़ मान्यताएं बढ़ती चली गई, जिसका दुष्परिणाम सारे राष्ट्र को भोगना पड़ रहा है। भारतवर्ष एक धार्मिक देश है और धार्मिक देश में इतनी गंदगी क्या कारण हो सकता है? जिस देश में लाखों की संख्या में मंदिर बने हुए हो, गणेश जी के, शंकर जी के, दुर्गा जी के, हनुमान जी के, राष्ट्र के किसी कोने में जाए, किसी गांव में जाए, आपको मंदिर मिल जाए। जिस देश में धर्म के नाम पर करोड़ों साधु और बाबा जी जीवन यापन करते हो, जिस देश में धर्म के नाम पर करोड़ों पंडित पुजारी जीवन यापन करते हो, और वो राष्ट्र सारे दुनिया की दृष्टि में गंदगी का ढेर बना हुआ हो, वो राष्ट्र दुनिया की दृष्टि में गरीब राष्ट्रों में गिना जाए, चिंतनीय प्रश्न है। कुछ गुरुदेव कहा करते थे, इंसान वो है जो स्वार्थ से हट करके देश के, राष्ट्र की, समाज की चिंता किया करता है। व्यक्ति वो नहीं है जो अपने लिए जीता है, व्यक्ति तो वो है जिसके जीवन का उद्देश्य ही एक है, जिएंगे तो देश के लिए, जिएंगे तो राष्ट्र के लिए, जिएंगे तो संस्कृति के लिए, जिएंगे तो धर्म के लिए, जिएंगे तो इंसानियत के लिए, जो दूसरों के लिए जीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, और जीवन का कोई बोध नहीं होता, जीवन की कोई समझ नहीं होती। धरती पर आते हैं, जीते हैं और संसार से विदा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शास्त्रों में नर पशु कहा गया है, नर पशु। कुछ गुरुदेव लिखते हैं, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में नर पशुओं की संख्या बढ़ जाती है, वो राष्ट्र पतित हो जाता है।
वो समाज पतित हो जाता है, वो परिवार पतित हो जाता है, वो देश गरीब हो जाता है। पशु की पहचान हमारे शास्त्र में बताई है, आहार निद्रा भयम मैथुनम चा, जो केवल पेट भरने के लिए जिंदा है वो जानवर है, जो केवल सोता है वो जानवर है, जो डरता है वो जानवर है, और जो केवल परिवार की संख्या बढ़ाता है वो भी जानवर है, वो नर पशु है। आज हमारे राष्ट्र की कोई बड़ी समस्या नहीं है, बेईमानी भ्रष्टाचार कोई समस्या नहीं है, इस राष्ट्र की कोई समस्या है अज्ञान से भरी, मूढ़ता से भरी, रूढ़िवादी परंपरा से भरी। उस समस्या का नाम है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, देश में जनसंख्या इस तेजी से बढ़ती चली जा रही है कि सरकार चाहे कितनी बड़ी सड़क बनाए छोटी पड़ जाती है, कितने ही बड़े अस्पताल बनाए छोटे पड़ जाते हैं, कितने ही बड़े स्कूल बनाए छोटे पड़ जाते हैं, पर धर्म के नाम पर इस मूर्ता को हम ढोते चले जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने 76 में बोला, भाई साहब आप बच्चे की बात करते हैं, आप राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, भाई साहब आप बच्चे की बात करते हैं, आप देशद्रोह की बात करते हैं, पर पूज्य गुरुदेव को समझेगा कौन, उनको समझाएगा कौन। मुझे तो ऐसा लगता है पूज्य गुरुदेव को समझने में अभी इस देश को 500 साल लगेंगे, 500 साल। क्यों? गुरुदेव कोई शरीर नहीं है, गुरुदेव एक विचारक है। एक विचार आया रूसों का, उसने सारे दुनिया के राजाओं के मुकुटों को उतार करके फेंक दिया, वो मुकुट कहां लुढ़क रहे मालूम नहीं, और सारे दुनिया में लोकतंत्र आ गया, जनतंत्र आ गया एक विचार के द्वारा। जिस दिन गुरुदेव का विचार विस्फोट होगा, उस दिन दुनिया में मनुष्य में देवत्व आएगा, धरती पर स्वर्ग आएगा, और आना ही पड़ेगा। लेकिन विचार लोग समझ लेंगे। यदि आपको पढ़ना है तो गुजराती में भी भाषुआ होगा, हिंदी में अमृतवाणी नाम का दूसरा वांग्मय है, उस वांग्मय के प्रश्न 104 पर आप पढ़िए। गुरुदेव कहते हैं बेटा बच्चे की बात करते हैं, राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, समाज द्रोह की बात करते हैं। गुरुदेव लिखते हैं भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे कभी संतान नहीं देते, कौन समझ पाएगा, विचार करिए। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे संतान नहीं देते, जिस पर कम प्रसन्न होते हैं उसे कन्या देते हैं, और जिस पर ज्यादा क्रुद्ध होते हैं उसे पुत्र नाम का भूत देते हैं। भूत जो बुढ़ापे में गला दबाने के लिए तैयार रहता है। जिस दिन इस देश की ये मानसिकता समाप्त हो जाएगी, हमें पुत्र नहीं चाहिए, उस दिन देश में स्वर्ग आ जाएगा, धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। जिस दिन माता ये कहने लगेंगी हमें पुत्र नहीं चाहिए, कानून व्यक्ति को नहीं बदल सकता, सरकार कानून पर कानून बनाती है, व्यक्ति को नहीं बदला जा सकता। व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य है तो गायत्री मंत्र में है, व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य है तो गायत्री यज्ञ में है, व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य है तो गायत्री परिवार में है। मित्रों कुछ जलते दीपक चाहिए, कुछ जलते दीपक चाहिए जिनका जीवन बोलता हो गुरुदेव के विचारों में, जो जीते हो। गुरुदेव कहते थे बेटा तुम मेरी आरती उतार दो, तुम मेरे लिए मिठाई ले आओ, तो उससे मुझे संतोष नहीं मिलेगा, मुझे संतोष तो उस दिन मिलेगा जिस दिन तुम मेरे विचारों को अपने जीवन में ढाल लोगे और मेरे विचार की तरह तुम जीने लग जाओगे, उस दिन तुम मेरे परम भक्त बन जाओगे, परम शिष्य बन जाओगे। आवश्यकता है गुरुदेव के विचारों में जीने की। मैं निवेदन कर रहा था एक व्यक्ति वो होते हैं जो नर पशुओं की तरह जीते हैं,
विवेकानंद जी से पूछा किसी ने अमेरिका में धर्म क्या है, तो विवेकानंद जी ने कहा धर्म वो विज्ञान है जो मनुष्य को पशुता से उठा करके और देवत्व की ओर ले जाता है, जो पशुता से मनुष्य को देवता बना देता है उसका नाम धर्म है। धर्म नाम चंदन लगाने का नाम नहीं है, धर्म नाम शंकर जी पर पानी चढ़ाने का नाम नहीं है। मित्रों राजनीतिक दृष्टि से हम स्वतंत्र हो गए, पर मानसिक दृष्टि से हम परतंत्र बने हुए हैं। आज भी देश मंगल और श्रीश्वर की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मंगल और श्रीश्वर की गुलामी को कौन तोड़ेगा, तो गायत्री परिवार तोड़ेगा। मानसिक परतंत्रता को दूर करेगा तो कौन करेगा, गायत्री परिवार करेगा। आत्मबल संपन्न कहीं व्यक्ति मिल सकते हैं, ज्ञानवान कई व्यक्ति मिल सकते हैं, तो मित्रों आपको गायत्री परिवार में मिल सकते हैं। इसलिए विचारणीय प्रश्न है, देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हुआ लेकिन मानसिक दृष्टि से परतंत्र बना हुआ है। गुरुदेव कहा करते थे, यदि मुझे सरकार बदलने का भगवान ने काम सौंपा होता तो मैंने सरकार 10 बार बदली होती, पर भगवान ने मुझे बड़ा काम सौंपा है इंसान बदलने का, जो बड़ा कठिन काम है। और गुरुदेव ने कहा ये कठिन काम भी मैं पूरा करूंगा। गुरुदेव को हम कहां पहचान पाए, हमने तो गुरुदेव को मान लिया है वरदान देने वाले कोई बाबा जी। हम गुरुदेव के पास गए थे, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया करा दी, बस इतना ही हमने गुरुदेव को जाना और माना है। हम कहां गुरुदेव को जान पाएंगे, हमारी कहां सामर्थ्य है। मित्रों 1986 में मैं चेन्नई गया कार्यक्रम संपन्न कराने, नवरात्रि के दिन थे, दशहरे वाले दिन मैं कांचीपुरम गया जगत गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए। जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, बड़ी लंबी लाइन लगी थी, उस लाइन में मैं और मेरे भाई छोटे ओंकार पाटीदार जी मेरे साथ थे। हमारा नंबर आया, दूर से प्रणाम किया शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य जी ने कहा तीर्थ यात्रा पर निकले हो, मैंने कहा नहीं, मैं वेद मूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य हूँ, शांति कुंज हरिद्वार से आया हूँ, हम एक तमिल भाषा में पत्रिका निकालने जा रहे हैं, उसका मैं आशीर्वाद मांगने आया हूँ। शंकराचार्य जी ने कहा अरे तुम मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हो, आचार्य जी से कहना कि वो अपना आशीर्वाद मुझे भेजे। और उनके बगल में एक कलेक्टर साहब बैठे हुए थे वहां के, उनसे उन्होंने कहा आपने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का नाम सुना है, कलेक्टर साहब ने कहा नहीं। जैन चतुर्दी महाराज ने कहा विश्व को बचाने की सामर्थ्य किसी के पास है तो केवल पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के पास है। तीसरा निश्चिंत हो गया होता, लेकिन उनकी साधना के कारण, उनके संकल्प के कारण तीसरा विश्व रुका हुआ है। मेरे आंखों से तब तक आंसू आने लगे। मैंने सोचा कि शंकराचार्य जी ने कभी गुरुदेव को देखा नहीं, कभी मिले नहीं, उन्होंने कैसे जान लिया। और वो बड़े साधक थे, सूक्ष्म जगत की अंचल को जानते थे। मित्रों उन्होंने अपने शिष्य से कहा और एक शाल मंगाई शानदार ऊनी, सिर पर रखी, कुछ मंत्र पढ़े और कहा आचार्य जी के चरणों में इसे भेंट कर देना। मैं आया, मैंने गुरुदेव को सारी घटना सुनाई, आचार्य जी ने शाल ली, माथे से लगाई और गुरुदेव ने कहा बेटा मैं तेरे शंकराचार्य को पत्र लिखूंगा। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा मैंने शंकराचार्य जी के पत्र लिख दिया है, जगत गुरु शंकराचार्य कांचीपुरम, हे देव मानव आपने हमारे प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की है उससे हृदय हमारा अभिभूत हुआ है। इन दिनों हम युग परिवर्तन के महान कार्य में लगे हुए हैं, आप अपना आशीर्वाद और स्नेह हमारे प्रति बनाए रखें, आपका पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।
दो वर्ष के बाद शंकराचार्य जी बद्रीनाथ की यात्रा पर आए। गुरुदेव ने मेरे से कहा तेरे शंकराचार्य आए तो ये मालूम है? मैंने कहा नहीं मालूम। बोले हरिद्वार में ठहरे हैं, मैं और मेरे साथी तो गए उनको खोजा, जयराम आश्रम में ठहरे थे। सायंकाल का समय था, बड़ी भीड़ खड़ी थी लाइन से, वो संध्या वंदन करके निकलने ही वाले थे। गुरुदेव ने कहा था बेटा तू जाना और शंकराचार्य जी से कहना कि आचार्य जी ने क्षेत्रीय संन्यास ले लिया है, कमरे से बाहर नहीं जाते पर आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैं गया, जैसे ही वो संध्या वंदन करके बाहर आए सारी भीड़ हाथ जोड़कर उनकी तरफ देखने लगी। मेरी ओर अचानक उनने देखा सबसे पहले और उंगली करके मेरी ओर इशारा किया, बिना बोले शांति कुंज तुम आ गए, हमारी इच्छा वहां जाने की है। कैसे उन्होंने जान लिया मालूम है? सोचिए, उन्होंने कहा मैं बुधवार को आऊंगा। आए गुरुदेव से जब मिलने गए मित्रों तो गुरुदेव झुककर को प्रणाम करने लगे, तो उन्होंने गुरुदेव के हाथ पकड़ लिए और कहा शंकर के रूप में आयो और मुझे प्रणाम करते हो, मैं तुम्हें प्रणाम करने आया हूं। मित्रों कहां गुरुदेव को समझ पाएंगे, हमारे लिए तो गुरुदेव वो है, लड़का नहीं था लड़का दे दिया, दुकान नहीं चलती दुकान चल गई। मित्रों कुछ भगत सिंह चाहिए, कुछ सुभाष चाहिए, कोई फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहिए जिसे अपने घर की सुध न आती हो, बच्चों की सुध न आती हो, जो केवल एक ही मंत्र लेके चलता हो, जीऊंगा तो गुरु के काम के लिए और मरूंगा तो गुरु के काम के लिए, तब मित्रों जीवन सार्थक हो जाएगा। एक मुट्ठी भर लोग निकल के आने चाहिए। देश जब स्वतंत्र था तो मित्रों एक 12 वर्ष के बालक ने लकड़ी से निशाना लगाना शुरू किया और एक साधु वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? उस बालक ने कहा स्वामी जी आपको नहीं मालूम भारत माता कैद है, उसे स्वतंत्र कराने के लिए बंदूक चलाना सीख रहा हूं। स्वामी जी ने कहा बेटा अभी तेरी आयु छोटी है, जब तू बड़ा हो जाए तो बंदूक चलाना, अभी तुझे विद्यालय जाना चाहिए, व्यायामशाला जाना चाहिए। मित्रों बालक स्कूल जाने लगा, व्यायामशाला जाने लगा, जब दसवीं की परीक्षा पास कर ली अंदर से जो धधकता हुआ संकल्प था वो जागृत हुआ, घर से भागे कानपुर पहुंचे, क्रांतिकारियों के बीच में खड़े हो गए। क्रांतिकारियों ने कहा घर से भागकर क्यों आए? उन्होंने कहा भारत माता की सेवा के लिए। क्रांतिकारियों ने कहा भारत माता की सेवा का परिणाम जानते हो? बालक ने कहा जानता हूं, फांसी का तख्ता। क्रांतिकारियों ने गले लगा लिया, काकोरी कांड में पकड़े गए, फांसी हो गई। जिस दिन फांसी लगने वाली थी प्रातःकाल जेलर उनके लिए कुछ फल लेकर के आया, उसने दरवाजा खटखटाया, देखा जिसे फांसी लगनी है वो तो दंड बैठक लगा रहा है। अंग्रेज जेलर ने कहा ए मैन तुम किस मिट्टी के बने हो? मैंने अपने जीवन में देखा है जिस जवान आदमी को फांसी लगती है उसकी जवानी एक रात में बुढ़ी हो जाती है, उसका चेहरा बूढ़ा हो जाता है। मैंने देखा है जिसे फांसी लगती है उसके काले बाल एक रात में सफेद हो जाते हैं। तुम किस मिट्टी के बने हो कि तुम दंड बैठक लगा रहे हो? उस बालक ने कहा जेलर साहब आपको नहीं मालूम, हमारा भगवान गीता में लिख कर गया है मरने के बाद दोबारा जन्म मिलता है, मेरा संकल्प है मैं मरने के बाद दोबारा आऊंगा, तुम्हारी सरकार से फिर लड़ूंगा। संकल्प के धनी। और मित्रों जब फांसी के तख्ते पर गए तो उन्होंने कहा ओम विश्वान देव सवितुर दुरितानि परासु यदि भद्रम तन्नयासु।
5000 की भीड़ लेकर के उनकी लाश चल पड़ी। भीड़ में से आवाज आई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिंदाबाद, भारत माता के सपूत बिस्मिल जिंदाबाद। मित्रों, राष्ट्र को फिर बिस्मिल चाहिए, राष्ट्र को फिर सरदार पटेल चाहिए, और कोई फिर राष्ट्र को सरदार पटेल दे सकता है तो गायत्री परिवार दे सकता है। राष्ट्र को फिर कोई लक्ष्मीबाई दे सकता है तो गायत्री परिवार दे सकता है। कोई गुरुदेव कहा करते थे, मैं तुम्हारे अंदर पटेल को देखता हूँ, गांधी को देखता हूँ, मैं अनुसुईया को देखता हूँ, मैं लक्ष्मीबाई को देखता हूँ। मित्रों, गुरु हमको अपने कंधे पर बिठा करके आसमान ले जाना चाहते हैं, पर गुरुदेव कहा करते थे, बेटा जब मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां देखता हूँ मोह की, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, बेटा मुझे बड़ा दुख होता है। जब मैं तुम्हारे पैरों में बेड़ियां देखता हूँ, हथकड़ियां देखता हूँ लोभ की मोह की अहंकार की, तो मुझे बड़ा बेटा रोना आता है। काश तुमने हिम्मत की होती अपने लोभ की हथकड़ियों को तोड़ने की, तुमने हिम्मत की होती अपने मोह की बेड़ियों को तोड़ने की, तुमने हिम्मत की होती अपने अहंकार को तोड़ने की, मित्रों मजा आ गया होता। भगवान तैयार बैठे हैं, गुरु तैयार बैठे हैं कुछ ऐसा देने को, जिसे पा करके हम और आप ही धन्य न हो जाए, धरती धन्य हो जाए, आकाश धन्य हो जाए, इतिहास धन्य हो जाए, इन क्षणों में से हम और आप गुजर रहे हैं। यदि आप चिंतन करते हो सारे विश्व का, तो सारा विश्व धधक रहा है। कब कहां अणुबम परमाणु बम का प्रयोग हो जाए और सारी दुनिया तहस नहस हो जाए। मुट्ठी भर राख पर बैठी हुई दुनिया को बचाने की सामर्थ्य यदि किसी के पास है तो परम पूज्य गुरुदेव के पास है। और गुरुदेव ने कहा है, नई दुनिया बनाने के लिए बेटा फिर नए भागीरथों की आवश्यकता है, फिर तपस्वियों की आवश्यकता है, फिर त्यागियों की आवश्यकता है। ये रजत जयंती समारोह नए त्यागी और तपस्वी खड़ा करने में समर्थ हो, गुजरात से फिर नए समयदानी निकले जो लोभ को त्यागे, जो मोह को त्यागे, जो अपने प्रांत की एक सीमा को त्यागे। और समर्थ है आप चाहें तो सारे देश को हिला सकते हैं, आपके पास वो सामर्थ्य है। अपने तक सीमित न रह जाए, यदि आपने हिम्मत की, भगवान आपके साथ में है, गायत्री माता आपके साथ में है, परम पूज्य गुरुदेव आपके साथ में है। केवल एक ही तो संकल्प करना है कि हम जीना है तो भगवान के लिए, मरना है तो भगवान के लिए, जीना है तो धर्म संस्कृति के लिए, मरना है तो धर्म संस्कृति के लिए। मित्रों, जीवन का वो आनंद आपके लिए तैयार खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि इस देश में धर्म केवल मंदिर तक मूर्ति तक सीमित रह गया है। धर्म गुरुदेव कहते थे, वर्तमान में धर्म की लाश दिखाई पड़ती है, धर्म का प्राण चला गया है। और लाश को हम कब तक ढोएंगे, शंकर जी के ऊपर कब तक जल चढ़ाते रहेंगे? गुरुदेव कहा करते थे, एक बार मैं शंकर जी के पास गया और मैंने पूछा, जनवरी की ठंडी ठुठरती ठंड में प्रातः 4 बजे शंकर जी महाराज से, कि प्रातः 4 बजे जो भक्त आपके ऊपर जल चढ़ाने आते हैं उनको तो आप बहुत आशीर्वाद वरदान देते होंगे। तो शंकर जी ने कहा, आचार्य जी आप जानते नहीं, जो 4 बजे मुझे सबसे पहले जल चढ़ाने आते हैं सब गर्म पानी से नहा के आते हैं और मेरे ऊपर ठंडा चढ़ाते रहते हैं। शंकर जी को बुखार आएगा, निमोनिया हो जाएगा, कोई नहीं सोचता। मित्रों, धर्म अज्ञान में डूबा हुआ है। धर्म को ऊपर लाने के लिए धर्मवीर चाहिए, तो धर्म को धारण करें और ज्ञान की लाल मशाल को लेकर के चल पड़े। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव तो नहीं है, पर गुरुदेव ने कहा, मेरा स्वरूप देखना है तो मेरे संगठन में देखना, मेरे विचारों में देखना, और जो संगठन के अनुशासन में चलता है वो गुरु का शिष्य कहलाता है। जो संगठन की मर्यादा को तोड़ता है, संगठन के अनुशासन को तोड़ता है,
वो गुरु का शिष्य नहीं कहलाता। आप कितने भाग्यशाली हैं, लोगों को करोड़ रुपए मिले होंगे और गुरु तो नहीं मिले, पंडित श्री राम धर्म आचार्य तो नहीं मिले। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको परम पूज्य गुरुदेव मिले। गुरुदेव मिले ये आपका सौभाग्य है, और जिस दिन आप गुरुदेव के लिए जिएंगे और मरेंगे उस दिन आपका बड़ा सौभाग्य होगा। इस कार्यक्रम के द्वारा आप संकल्पित होकर के जाएं, गायत्री परिवार का संगठन मेरा परिवार है और इस परिवार में मैं निरंतर प्यार और प्रेम की गंगा बहाता रहूंगा। किसी के दोष और दुर्गुण की चर्चा नहीं करूंगा, शांति कुंज के अनुशासन को मानूंगा, अपने कार्यकर्ता बंधुओं की प्रशंसा करूंगा, उनके कार्यों के गुणों की प्रशंसा करूंगा, और जिएंगे तो हाथ से हाथ पकड़ कर जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के भी आप जाना। कोई हमसे बिछुड़ न जाए, कोई हमसे टूट न जाए, कोई हमसे दूर न चला जाए। बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चलता है, छोटा वो है जो अपने अहंकार का नारियल लेके चलता है। उसे नारियल फोड़ देना चाहिए, हमने नारियल बहुत फोड़े हैं पर अहंकार के नारियल को फोड़ देना चाहिए। मैं ट्रस्टी हूँ, इस अहंकार को समाप्त कर देना चाहिए। मैं परम पूज्य गुरुदेव का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं सबके साथ जीऊंगा, सबके साथ मरूंगा, सबको साथ लेकर के चलूंगा। ऐसा भाव यदि लेकर के जिएंगे मित्रों तो आने वाले दिन हमारे हैं, आने वाला समय हमारा है, और जब हम यहाँ से विदा होंगे भगवान के दरबार में खड़े होकर कहेंगे हम आपके लिए जिए हैं, हमने आपका काम किया है, जीवन को हमने व्यर्थ नहीं गंवाया है। भगवान हमको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। मित्रों ऐसा संकल्प आपका जगे तो कार्यक्रम सार्थक हो जाएगा। आपका प्यार पा करके हम भाई तीनों बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए परम पूज्य गुरुदेव के उस अंश को प्रणाम करता हूँ जिसके कारण आप यहाँ जहाँ उपस्थित हैं। ओम शांति शांति शांति।